नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मयूर और आज इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ किस तरह यहाँ पे आप अपने मोबाइल में आप देख सकते हो कि आपका जो इंटरनेट स्पीड है वो कितना आ रहा है। और आज मैं दोनों बताने वाला हूँ, सपोज अगर आप मोबाइल डेटा से ये इंटरनेट चला रहे हो या वाईफाई से। जैसे अभी यहाँ पे मैं वाईफाई से चला रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा ये वाईफाई कनेक्टेड है। अगर आप ये वाईफाई से कनेक्ट मतलब आप वाईफाई यूज़ कर रहे हो और वाईफाई की स्पीड जानना है तो वाईफाई की स्पीड कितना आता है तो भी आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। और साथ ही में अगर आप मोबाइल डेटा यूज़ करते हो तो उसका भी मैं स्टेप बताने वाला हूँ। मतलब ये वीडियो में आपको दोनों मेथड का सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। बहुत सारे यूज़र ऐसे भी है जो यहाँ पे ये वीडियो छोड़ते चले जाते हैं और बोलते हैं भाई तूने ये वीडियो सही नहीं बनाई ये वो, तो मैं पहले ही बता देता हूँ वो जो यूज़र ऐसे बोलते हैं वो बस दूसरे वीडियो ही देख पाते हैं और फिर वो दूसरे से तीसरे वीडियो ऐसे ही वीडियो पर दौड़ते रहते हैं। उन्हें तभी सॉल्यूशन अपनी लाइफ में सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। तो आप बस ये वीडियो देख लीजिए और ये वीडियो देखने के बाद में आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा किस तरह यहाँ पे आप इंटरनेट स्पीड देख सकते हो जितना भी आ रहा है। बिकॉज यहाँ पे बहुत बार ऐसे होता है हमें इंटरनेट स्पीड देखने की जरूरत तब पड़ती है जब हम यहाँ पे वाईफाई का प्लान ले लेते हैं 10 Mbps 20 Mbps या जो भी प्लान ले लेते हैं और फिर हम देखना चाहते हैं यार स्पीड आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे इंटरनेट स्पीड नेटवर्क स्पीड देखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मोबाइल डेटा में भी यहाँ पे जियो पर बहुत बोलते हैं, मतलब इतना तो मिनिमम स्पीड मिलता ही है एयरटेल पर वोडाफोन पर, तो इसलिए चेक करने के लिए ये बेस्ट मेथड है, यही मेथड आप ट्राई कीजिए। तो उससे लिए यहाँ पे मैं फटाफट सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप क्रोम जो भी आपके पास ब्राउजर है आप वो ब्राउजर पे चले जाइए। तो यहाँ पे मेरे पास क्रोम है तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ क्रोम पर। आ जाने के बाद में यहाँ पे आप सर्च बार में सर्च कीजिए नेटवर्क स्पीड, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ नेटवर्क स्पीड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही यहाँ पे मैंने डाला तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ गए। तो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है नेटवर्क स्पीड टेस्ट, तो यहाँ पे हमें ये वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है या यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ये वाले ऑप्शन पर आ जाता हूँ। जैसे ही आप आ जाओ तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा पेज लोड हो जाएगा, आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर डिपेंड है। फिर यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो पहले तो इतना लंबा चौड़ा ये मैसेज आ जाएगा, वो मैसेज क्या है यहाँ पे इंटरनेट स्पीड टेस्ट है और फिर यहाँ पे ये तीन लाइन से कुछ यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो पहला मेथड तो यही है, यहाँ पे ये जो आ रहा है लिखा हुआ इससे नीचे ही यहाँ पे आता है रन स्पीड टेस्ट, तो बस यहाँ पे रन स्पीड टेस्ट पे हम टैप कर दे और टैप हो जाने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो जितना भी स्पीड आएगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 5 to 10 Mbps से बीच में आ रहा है और यहाँ भी यहाँ पे 5 Mbps आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो और यहाँ पे अप डाउनलोड और अपलोड स्पीड दोनों बताया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो डाउनलोड है और ये अपलोड है। तो अभी देख लेते हैं तो इतना आ रहा है। तो यहाँ पे डाउनलोड स्पीड आ रहा है समथिंग अराउंड 4 MB के आसपास और यहाँ पे मेरा 10 Mbps का प्लान है, पता नहीं आज इतना स्लो स्पीड स्लो क्यों है। तो यहाँ पे मैं अपने ऑपरेटर को बोल सकता हूँ कि भाई आज स्पीड अच्छा नहीं आ रहा है, मेरा वहाँ से रीसेट कर दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे अभी जो स्पीड आ रहा है वो यहाँ पे डाउनलोड मतलब यहाँ पे मैं कुछ भी फाइल डाउनलोड करूँ तो यहाँ पे 4 Mbps आ रहा है और यहाँ पे कुछ भी फाइल मैं अपलोड करूँ तो यहाँ पे 1.3 Mbps आ रहा है। तो इस तरह यहाँ पे आप देख सकते हो। और सपोज अगर आपको कुछ डाउट है तो यहाँ से आप टेस्ट अगेन भी कर सकते हो, तो यहाँ से भी आप इजीली देख सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे मैं वापस करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे अभी जो स्पीड आ रहा था वो भी नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों, बट यहाँ पे मुझे कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। मैं जो भी डाउनलोड कर रहा हूँ वो यहाँ पे फटाफट डाउनलोड हो जा रहा है। तो इस तरह यहाँ पे आप देख सकते हो कितना स्पीड आ रहा है और जो भी है वो। तो कुछ भी नहीं समझता है तो यहाँ पे आप मुझे नीचे कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आज इस वीडियो में बस इतना ही, बाय बाय।